नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबर पर। वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने की द्विपक्षीय बैठक, कई एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। हरियाणा में अस्पताल के बाहर कड़कती ठंड में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, गुहार के बावजूद नहीं मिली मदद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर बने नए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 12 जनवरी को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में अंतिम निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त, नए चुनाव की संभावना नहीं। यूपी के अमरोहा में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार, दम घुटने से 5 बच्चों की हुई मौत। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, गिरफ्तार ईरानी नागरिक के पास से 5 करोड़ की हीरोइन बरामद। राजस्थान के मंत्री बाबूलाल खड़ारी का बयान, खूब बच्चे पैदा करो, मकान देंगे पीएम मोदी। ममता बनर्जी का केंद्र से सवाल, कुंभ के लिए पैसे दे सकते हैं तो गंगा सागर मेले के लिए क्यों नहीं। कांग्रेस ने सांसद कार्ती चिदंबरम को भेजा नोटिस, ईवीएम पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। सीमा हैदर का बयान, यूट्यूब से हो रही है अच्छी कमाई, सचिन से नहीं करवानी नौकरी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।